आप देख रहे हैं A1 टीवी, नजर डालेंगे बैनरकॉमी खबरों की तरफ। यूक्रेन के ज़ुस्टॉल स्टील प्लांट में हथियार डालने वाले फौजियों को जंगी कैदी बनाकर रूस मुंतकिल कर दिया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक जिन यूक्रेनी फौजियों को मॉस्को मुंतकिल किया गया है उनकी तादाद 1000 के करीब है। यूक्रेन का कहना है कि वो अपने तमाम फौजियों को कैदियों के तबादले में वतन वापस बुला लेगा। यूक्रेनी हुकाम ने यह भी दावा किया है कि रूस के जेरे कब्जा जनूबी इलाके खेरसोन में 600 यूक्रेनी शहरियों को यरगवाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। रूसी फौज ने दावा किया है कि यूक्रेन के फौजी अड्डे को तबाह कर दिया है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क में कई बार रूसी फौजियों को पीछे धकेला गया है। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि यूक्रेनी टैंकों और दीगर हथियारों को तबाह करने के लिए तवील फासले तक मार करने वाले मिज़ाइलों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि ओडेसा के करीब यूक्रेन के फौजी कार्गो तैयारे को भी मार गिराया गया है जो हथियारों से भरा हुआ था। अमरीका में फायरिंग के बढ़ते हुए वाकयात के खिलाफ सान फ्रांसिस्को में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए नए कवानी लागू किए जाएं। मुजाहरे में शरीक अफराद का कहना था कि अमरीका में रोज़ाना 110 अफराद फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में हलाक हो रहे हैं। हमें इस मामले को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। एक तहकीकती ग्रुप के मुताबिक रवा साल फायरिंग के 233 बड़े वाकयात रोनुमा हो चुके हैं। एहतजाज करने वालों ने नारंगी रंग पहन रखा था, जिसका मतलब था कि वो नहीं चाहते कि अगला निशाना वो खुद हों।